अरे यार, आज तो उसे आना था खाना लेके, अभी तक आई क्यों नहीं? सुनो, आ जाओ खाना खा लो। ऐसा है, ये बहाना ना करो, मैंने आपको देख लिया था नजरें फेरते हुए, आ जाओ। खाना किसे खाना है? भाई करमू, मनीषा की शादी होगी। है? मनीषा की शादी? भुआ हमारे भातनोत ने भी नहीं, जरूर उस बुड्ढे ने नियांदी होगी। भाई एक बात और पता पड़ी है। बता। आशा भाग गई। हैं? आशा भाग गई? नहीं नहीं नहीं, आशा नहीं भाग सकती। तुम्हारी सारी बात सच हो सकती है, मगर ये बात सच नहीं हो सकती। भाई भाई सच कह रहा हूँ, उनके घर वाले कह रहे हैं। नहीं नहीं, इस बात में कोई गहरा राज है, इस राज का पता मुझे लगाना पड़ेगा। भाई एक बात और पता पड़ी। हाँ। तेरे फूफा ना घर पे वो कुछ दिन के लिए बाहर गए हुए हैं। ये बात तैने सही बताई, अब मेरे लिए आसान हो जाएगा पता करना। तू कैसा है अंदर? तेरी हिम्मत कैसे पड़ी घर के अंदर पैर रखने की? बुआ ऐसा मत कह, तू मुझे गाली दे ले, तू मुझे कितना भी बड़ा धर्मी कह ले, मगर मुझे इस घर से मत निकाल। इतना नीच काम करके गया है तू यहाँ, तेरी फिर भी हिम्मत पड़ गई आने की? बुआ मैं पापी हूँ, अधर्मी हूँ, कुछ भी कह ले मगर ऐसा मत बोल। छोड़ दो मेरे पैर, चल फरक हो। बुआ मुझे माफ कर दे। मर गई तेरी बुआ, हटा। ऐसा मत कर, नहीं तो मैं यहाँ सर पटक 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 कर सिर मत पटका, सिर मत पटका, ये डरावे मत दिखा मुझे। चला जा तू यहाँ से, और तेरे फूफा को पता चल गई ना तो लिखार का भगा देगा मुझे भी घर में से। ऐसा मत कर बुआ। बुआ मैं ऐसा से माफी मांगना आया हूँ, एक बार वो मुझे माफ कर दे, मैं चला जाऊंगा, दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है? आशा तो भाग गई। है? आशा भाग गई? ऐसी तो ना थी, किसके साथ भाग गई? अब मुझे क्या पता किसकी गैल भाग गई। और मनीषा? मनीषा की शादी कर दी हमने। अच्छा कहाँ? अरे पीतमपुरा में कर दी अमित के साथ। अच्छा, कहीं से मैंने बता के गलती तो ना कर दी? पर तू चला मत जी वहाँ, कदी उठा के भगा भक्को। अरे बुआ मैं जो है उसका भाई हूँ, उसके दिल में गलतफहमी होगी मेरे प्रति, मैं सोच रहा था उसे जाके एक बार माफी मांग लूँ। वहाँ चला गया ना, तेरा फूफा तुझे तो मारेगा, मुझे जान से मार देगा, आगे समझ में? चल ऐसी बात है तो ना जाने का। ठीक है बुआ मैं चल जाऊँ, राम राम बुआ। घर को ही चला जाइए आदमी के जोड़ में। घर ही जाऊंगा बुआ। यूँ पता ना फिर कहाँ से आ गया जान। कुछ तो जरूर छुपा रही है बुआ, आशा भगने वाली लड़की तो ना थी। मनीषा से ही पता करना पड़ेगा, मनीषा के ससुराल चलता हूँ। चले इसे तो उतार लो। नहीं नहीं सही। अरे उतारो ना, अरे यहाँ सब चलता है, चलो। देखना बीकानेर कितना बढ़िया लग रहा है, ये गजरौला का फेमस है।
आ गए बेटा? हाँ माँ, माँ देखो मैं कितनी सारी शॉपिंग करके आई हूँ। अच्छा, ये साड़ी आपके लिए। इस वाली का कलर तो तेरे हिसाब से बहुत अच्छा, ये कलर तो बहु बेटियों के लिए। अरे नहीं माँ, आप पे बहुत अच्छा लगेगा ये। अरे कनु नन्नू भैया, इधर आओ। दोनों को बुलाया दिखा है? ये कपड़े आपके लिए। मेरे हैं? अबे मेरे हैं। तेरे नहीं है ये कपड़े, जेठ कुन दिए जाते, देवर को दिए जा, समझ गया? अबे भुंडी शकल का, तू ही देख ले देवर कौन सा लगे। मैं लगूं? अरे भैया लड़ो मत, ये आप दोनों के कपड़े। अच्छा है, ठीक है चले। यस। मम्मी जी, हाँ? हमने ना गजरौला वाले बीकानेर में बहुत सारी चीजें खाई, गोलगप्पे, टिक्की, डोसा और आइसक्रीम भी खाई। अच्छा, हाँ मैं आप लोगों के लिए चाय बना के लाती हूँ। अरे बेटा सुन, चाय भाई छोड़, वो तेरा भाई आया ना, उससे बात कर ले। भाई मनीषा, देख मैं आ गया। ठीक है तू? हाँ जीजा जी, नमस्ते। अच्छा जनाब, शादी में तो दिखाई नहीं दिए। अरे साले साहब, शादी में भी नहीं दिखाई दिए, आज अचानक कैसे? मनीषा, तुमने कभी अपने भाई के बारे में बताया नहीं? ये मेरे मामा जी का लड़का है, करम सिंह। अच्छा। अरे बेटा, ये करम सिंह बोल रहा था, इसे किसी काम के सिलसिले में इधर आना हुआ है, दो चार दिन रुकेगा यहाँ। इसको ना इसका कमरा दिखा दे। ठीक है मम्मी जी। अब जैसे ही अचानक घर आ गया। हाँ सही है क्या? जब शादी होती है तो रिश्तेदारी तो चारों तरफ से जुड़ जाती है, अब उसके मामा का लड़का है, किसी काम से आया बेचारा, रुक जाएगा, क्या दिक्कत है यार? नन्नू मुझे तो यो कोई उठाई गिरा सा लगे। यार ये साला मुझे सकल सी चोर लगे, इस पे 2-4 लाख का इनाम भी हो सके। हाँ। एक काम करे, इसे साले को पकड़ के पुलिस में दे देंगे और आधा दबाट लेंगे। तेरा बेटा जीता रहे। पर यार कहीं यो मेरी भैंस चोरी करने तो नहीं आया? हाँ यार मुझे भी ऐसा लगा, ये धनों को चुराना आया। अगर ऐसा हुआ तो मैं इसे खा के पटकूंगा भाई। मैं भी पटकूंगा। हाँ। आधा तू पटकी, आधा मैं, और ऊपर से तू पटकी है, नीचे से मैं, और इसे ऐसा मारेंगे यूं किसी को पता भी न सके कहाँ मारे। हाँ। और ऐसी जगह चोट मारेंगे जो पट्टी करवाता भी शर्माऊंगा। ये है तेरा कमरा। कमरा तो ठीक है, मगर एक बात बता, ये तुझे सब मनीषा मनीषा क्यों बोल रहा है? घबराने की बात नहीं है, मुझे सब कुछ बुआ ने बता दिया है, मुझे सब मालूम है। और सुन, मैं सिर्फ तेरे लिए यहाँ पर आया हूँ। करमू, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, चला जा यहाँ से, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहता है तू, चला जा, मुझे जीने दे। जीने तू? चला जाता हूँ, उससे पहले एक बात। और भराई उराई हो गई सब? हाँ माँ, वो तो करके आया, अभी वहीं से आ रहा।